हम लोग लगातार 3 दिनों से बैठ रहे हैं और वो समझ रहा है कि हमने जो जहर उगला है जनता ने माकूल जवाब अपने विवेक से दिया है। जो हिस्सा होगा हमारे 4 विधायक हैं, इसी में से कोई बनेंगे। नमस्कार, दर्शन देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में पूर्ण बहुमत में इंडिया गठबंधन आने के बाद अब झारखंड में 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे हेमंत सोरेन। जी हाँ, उसको लेकर झारखंड आरजेडी आज अपने तमाम विधायकों के साथ, अपने कमेटी के साथ बैठक कर रही है और बैठक में 28 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारी को लेकर चर्चा भी करती नजर आ रही है। तो झारखंड में आरजेडी ने इस बार 4 सीटों पर विजयी हासिल की है और विजयी हासिल करने के बाद किसको क्या मंत्री पद मिलता है, किसको कितना कोटा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल झारखंड प्रदेश राजद के प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव और केंद्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव अभी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और बैठक में निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में कैसे सुचारू रूप से सरकार चलाई जा सके। तो इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जयप्रकाश नारायण यादव और भोला यादव, आइए सुनते हैं। हम लोग लगातार 3 दिनों से बैठ रहे हैं, लगातार हमारे सभी जिला के साथी हैं, सीनियर साथी हैं, नेता हैं, लीडर हैं, सबके साथ एक दूसरे से हम लोग ये चर्चा करते हैं, बात करते हैं और सब में उत्साह है। सभी लोग हैं कि हम सभी जगह से मोहराबादी मैदान में इंडिया गठबंधन के लोग हम सभी आएंगे और राजद परिवार के लोग आएंगे, उसकी तैयारी है और उसके तैयारी में सभी तरफ से जो है हमारे माननीय जितने भी सम्मानित सदस्य हैं सब में उत्साह है। और अभी माननीय संजय सिंह यादव जी आए हैं, सुरेश पासवान जी भी आ रहे हैं, संजय यादव जी भी आ रहे हैं और नरेश सिंह जी, उन्होंने कहा कि हम लेट से आएंगे, एक कार्यक्रम में है, क्षेत्र में है। तो सभी लोग शामिल होने वाले हैं 28 तारीख के कार्यक्रम में, क्या केंद्रीय नेतृत्व कोई पहुंचने वाले हैं? देखिए ये आपको कल चित्र सामने आ जाएगा, तो कल बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, कल ये चित्र सामने आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से देश भर के लोगों में सकुन सम में है, सकुन सम में। इसलिए हमने कहा ना एक बार कि यहाँ जहर उगला गया है और वो समझ रहा है कि हमने जो जहर उगला है जनता ने माकूल जवाब अपने विवेक से दिया है, अपने बुद्धि से दिया है और यही देश का ताना बाना है जिसका परिचय झारखंड प्रदेश में दिया गया और माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में फिर नहीं सरकार। ठीक ठीक, भोला बाबू राजद को एक बार मंत्रालय में भी मिलने वाला है, कौन मंत्री होंगे ये कब तक स्पष्ट आप लोग कर पाएंगे? देखिए जो हिस्सा होगा हमारे 4 विधायक हैं, इसी में से कोई बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जिनको भी हिस्सेदारी मिलेगी, नेतृत्व जिनके बारे में भी निर्णय लेंगे, सभी लोग उसका स्वागत करेंगे। कब तक ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि परसों तो नेता आ रहे हैं और सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। तो अभी देखा आपने कि झारखंड राजद के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव और केंद्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। साफ तौर पे बैठक में जो चर्चा हो रही है वो संभवतः मंत्री पद को लेकर चर्चा हो रही है कि झारखंड में राजद को 4 सीट मिलने के बाद कितने मंत्री पद हासिल होते हैं। बहरहाल अभी इस पे कुछ भी कोई भी साफ कहने से इनकार कर रहा है, लेकिन 28 नवंबर को होने वाले मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह को कैसे बृहद बनाया जाए और कैसे झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार को सुचारू रूप से चलाया जाए, फिलहाल इसी पे अभी चर्चा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।